नमस्कार, युवा जेके रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। मैं अरविंद मनास, आज आपको हम यहाँ पर लेके आए हैं गांव धनु। और यहाँ पर हमें एक फ़ोन कॉल आई थी कि यहाँ पर किसी अपने जो बेचारे गरीब आदमी जिनके घर को आप देख सकते हैं पीछे की, मैं अभी आपको फिर फुटेज दिखाऊंगा कि पीछे आप देखें ये पूरा मकान जो है वो इसमें आग लगी और ये पूरा मकान जल चुका है। मैं आपको अंदर से इसकी फुटेज सारी दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जो घर के मालिक बुज़ुर्ग जो हैं हमारे साथ ही हैं यहाँ पर, तो हम बाद में इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अंदर से आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा नुकसान जो है इनका हुआ है। तो अभी आप इसको देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है इनका हुआ है। अब देख सकते हैं हम अभी घर की एंट्रेंस में हैं इस वक्त, तो ये आप देखें इस चीज़ को। ये इनका जितना भी राशन था घर में, अनाज, ये जो गेहूं आप देख सकते हैं, चावल, गेहूं, ये बर्तन। अब फुटेज में आप देखेंगे कि कितना नुकसान जो है, अब देखें ये देखिए, ये इनकी अलमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। सिलेंडर देखें ब्लास्ट हो चुके हैं, सिलेंडर फट चुके हैं, भरे हुए सिलेंडर, और ये फटे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़ करके, अब देखें इसको, ये देखें, आप देख लें। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ, ये देखें, ये इनका जो गोदाम था जहाँ पे राशन, ये बड़े बड़े जो ड्रम जो दिख रहे हैं, ये अभी भी इनमें राशन है लेकिन जला हुआ है सारा। और अभी भी ये देखिए धुआं जो है, ये धुआं, ये धुआं अभी भी चल रहा है, आग अभी भी है अंदर। जो ये अनाज इनका पड़ा हुआ है इसको अभी भी आग लगी है। अब देख सकते हैं ये जो ड्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जल रहा है अभी भी, ये धुआं जो है अभी इसके अनाज में, अनाज से जल रहा है। नुकसान जो है वो उसका हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि नुकसान काफ़ी हुआ है यहाँ पर। मकान पूरा मकान जो है वो डैमेज हो चुका है। तो ये देखिए आप, अब इतना बड़ा नुकसान, ये देखिए बच्चों के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये बच्चों के जो बुक्स हैं और ये डिब्बा जो है, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों का अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। ये देखिए मैं आप बताता हूँ, ये देखिए खोल के, ये देखो बच्चों का सामान अभी भी इसमें पड़ा है। ये देखिए ये काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी पेनफुल दिख रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये एक साइड है जो स्टोर और ये रूम है इनका, एक इसके अलावा इस साइड जो दूसरी साइड है मकान की, ये जो देखिए आप खुद बता रहे हैं, ये फ्रिज की हालत देखिए आप, ये सिर्फ इसका ये लोहे का जो पीछे से वो है, वो लोहे का वो जो बचा हुआ है। इसके अलावा अच्छा, तो ये हमारे साथ हैं मालिक, हमारे साथ ये, हाँ तुम पहले अपना नाम सुनाओ। हाँ, थोड़ा नाम की है, थोड़ा मकान आए। हाँ। अच्छा अपना नाम सुनाओ। मैं गुरदेव सिंह। अच्छा गुरदेव सिंह जी, किन्ना नुकसान होया थोड़ा, असें थोड़ा दसो कि किन्ना नुकसान होया, कि तुसीं किन्ना कि जिन्ना जिंदगी दी कमाई मेरी आई। अच्छा मतलब ओदे च कुछ भी नहीं बचया हुण जिंदगी कमाई दा, यानी कि मेरा टोटली रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके था, जिहड़ा मेरा रिकॉर्ड था, जिहड़े मेरे स्कूल दे सर्टिफिकेट थे, मेरे और बच्चे दे डॉक्यूमेंट थे, अपने डॉक्यूमेंट थे, वो सारे खत्म हो चुके थे। पूरा तन दौलत जो पूरा समझो पूरा खत्म हो गया तकरीबन। मेरा दहेज वगैरह जिहड़ा इहदे च पूरा इत्थे ढेर लाया था दहेज दा, ये डबल बैड थे इत्थे, डबल बैड दे विच पूरा बोरी बिस्तरा कपड़े छपड़े जो भी आ सब खत्म हुई है। अच्छा ओहदे च जिन्ना भी समान जिहड़ा मेरा खाने पीने का भी जो भी आ पखे भी, अनाज, मकान दे जेड़े डिगे ने किरी किरी डिगे थल्ले। अच्छा मतलब कोई चीज भी नहीं इस पहले समझो, मतलब तुस उस दिन कुदर है तुसी के मैं एसपीओ ड्यूटी करना। अच्छा मैं एसपीओ ड्यूटी पे तैनात था टिकरी चौकी। ओहो, तो मेरी उस दिन ड्यूटी ही। अच्छा राती तकरीबन 2:30 बजे तक मेरी कॉल आई। अच्छा कि तेरे मकान च जेड़े ग्रां दे लोकां मेरी कॉल कीती है कि तेरा मकान जेड़ा अग लगी दी है, काफी बुरी हालत है, बड़ी अग मतलब लाल हो चुका था पूरा एरिया।
अच्छा तो उस वजह करने मैं पूछा उन्हें कि भाई तेरे घर कोई सिलेंडर वगैरह तो नहीं है। हैं मैं आख्या भाई दो सिलेंडर ने जेदे जेके धमाका एक जेड़ा लोकें मैं सनाया फोन पर कि एक धमाका हो ही चुके दा है। अच्छा तो उस वेले धमाका होने दे बाद यानी कि उन्हें आख्या और भी सिलेंडर हैं, मैं आख्या भाई दो सिलेंडर मेरे घर च भरे दे। उन्हें आख्या फिर कोई अंदर नहीं जाए क्योंकि दूसरा धमाका भी हो सकता जेदे कन्ने और ज्यादा बर्बादी हो सकती, कोई बंदे जानू नुकसान भी हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे वगैरह के कारण थे। मैं फोन पर पूछा कि बच्चे मेरे शादी च गए हे तो मेरी घर आली जी है वो सोग बनाते साढ़े तो सोग बनाने चक्कर च प्यूनी मेहलत वगैरह चली दी तो इस घर च कोई ना हा तो खाली पूरा मकान जरा बंदे कोई नहीं खाली समान था तो टोटली समान इस वेल्ले मेरी लाइफ का कोई समान नहीं रहता इस वे बिल्कुल मतलब यानी कि मैं एक ये कपड़े जो पेदे इे न मेरे बच्चों को भी ये कपड़े न तो लोग अच्छा बच्चे बच्चे कुदरे उस दिन थोड़े उधर गए थे घर शादी हाले सिस्टर के घर अच्छा उसे चली थे राती तो वो उसे रहे राती चलो तो इस वास्ते हूँ मैं मतलब बच्चों को भी एक एक जो कपड़ा जो पोशाक पेदी है अच्छा उसे पोशाक रेदी है बाकी रिकॉर्ड बच्चे का भी खत्म हो चुके था मेरा भी रिकॉर्ड सारा खत्म हो चुके था और जो सारे मेरे प्यो का जो रिकॉर्ड था जहाँ जी उनके गन लाइसेंस था गन ही और काफ़ी जरा सारा मतलब कुछ बचा ही नहीं मेरा मतलब खाता ही रहा कोई कोई खाता रहता इसलिए तकरीबन मैं बर्बाद हो चुका पूरी तौर ते तो तुसें प्रशासन कोल तुसें गुहार लगाई तो थोड़े कोल कोई आया मिलने प्रशासन दे लोग जड़े जड़े साले पटवारी साहब कल इत्थे आए हे अच्छा। उन्हें जड़ा कोई तत्काल जड़ी डोनेशन हुंदी है उन्हें आख्या मी के 5000 रुपया दित्ता हा अच्छा। तो उन्हें आख्या के 5000 रुपया और जड़ा तत्काल दिने हां तो ओदे बाद च और बाकी अगे ते इना अजे कुसे कोई मजे सुनाया नहीं है कुछ आख्या नहीं है कुछ भी तो हुण इह है कि लोग जड़ा कुछ थोड़ा बहुता कोई करा दे ने कोई इयां कोई बिस्तर वगैरह देई जां राती रात कट्टने वास्ते हैं तो उन्हें आख्या रात कट्टो इत्थे ते फ्ही ओदे बाद अगे दिखगे यही है सर मैं बस इन्ना ही है मेरा वक्त कुछ नहीं रहता नंगा होई गया मैं ऐसी आदमी हाँ बच्चे रुटी पर बिस्तरे कपड़े रिकॉर्ड वगैरह भी मुश्किल है बनना चलो 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 दसो अंदर अच्छा अच्छा तो ये इनका जो सेकंड अभी हमारे साथ ये देखिए ये फैमिली है ये छोटी सी फैमिली है ये भाई साहब एसपीओ हैं पुलिस में और इनकी वाइफ और इनकी दो छोटी छोटी बच्चियां और हम इनसे भी बात करेंगे बच्चियों से भी कि इनकी बुक्स और इनकी जो जितना भी था वो ख़त्म हो चुका है तो मैडम जी रोनी रोनी पता के रोने करने देखो वापसी हिम्मत तुसें गै रखनी नुकसान ते होए दा थोड़ा बड़ा ज्यादा तो देखो ये छोटी बच्ची ये भी रो रही है तो बेटा रोना नहीं है देखो रोना नहीं है हिम्मत करनी है हम कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ करवाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जितने भी हमारे दोस्त हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस फैमिली की मदद की जाए और के सुनाओ तुस कुत्थे ही हो जदों की होया थुआड़े कन्नै सोग बनाई गई अच्छा मेरे ननानू दे सोरा पूरे होई गए अच्छा उधर चली गई ते उधर उड़े फ्रिज कूलर सब बच्चे रिकॉर्ड सारे खत्म होए ते कागज पूछ सब मेरे बड़ा पेनफुल है ये नुकसान जो इनका हुआ है और पूरी फैमिली रो रही है यहाँ बैठ के हम बेबस हैं इस वक्त लेकिन हम मदद करेंगे कुछ ना कुछ मदद करवाएंगे कपड़ा लगाए हमारे पास कुछ भी नहीं पता रात की बच्चियां भूखी बैठी हैं नहीं नहीं साड़ा कोई शुक्रिया नहीं सर अस रब कोल शुक्र गुजार हैं कि अस इत्थे पुज्जे मीडिया आले जेड़े वरनी है इस ग्रां च जां इस मुल्क च साडी खबर भेजण ताकि अगे तक फाइल होए ताकि गवर्नमेंट की भी पता लग जाए कि खेत कने होया अच्छा चलो ठीक है ठीक है मीडिया ने कहने ये प्रार्थना करन कि अच्छे तरीके करन कोई अपना सारा ये जड़ा कर देन बच्चे जो वो करन ठीक है अच्छा तो अभी हमारे पास ये अपने सरपंच साहब हैं ये एक्स सरपंच है यहाँ के तो इन्हीं से बात करते हैं सर तुस अपनी इंट्रोडक्शन दियो तुस के और तुस तुसें जिले हादसा दिखिया तो के थोड़े मन च के आया है डोगरी बोलो कोई नहीं राजेंद्र सिंह एक्स सरपंच सुंदरानी और जो मेरे घर का मसला है मेरे को आज पता चला है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया तो मैं अभी जहाँ पहुँचा हूँ
और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जहाँ सब कुछ आपने आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, जहाँ सब कुछ राख हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, और ये मेरा भाई जो है गरीब भाई है, ये सिर्फ एक एसपीओ की नौकरी करता है और दो बेटियां हैं, इधर बचा कुछ नहीं है। आप ऊपर भी देख रहे हो, मकान की छत भी सारी चली गई है, पीछे सामान देख लो आप, बचा कुछ नहीं है इधर। जहाँ तक कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो अंदर पड़े हुए थे, स्टेट सब्जेक्ट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, फॉर्मेलिटी, कुछ बचा ही नहीं है इनका कुछ भी। आज हम चाहेंगे डीसी साहब कुछ करें, इनका जल्द से जल्द करें। तो अभी आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी, तो आपने देखा पूरी फैमिली जो है वो परेशान है, सब रो रहे हैं, घर में खाना नहीं है, अनाज जल चुका है, घर जल चुका है, सिलेंडर का ब्लास्ट हो चुका है, घर में सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की बात जो मैं करूं तो इतने जल्दी मदद तो मिलेगी नहीं, ये तो मैं खुद भी ये कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने कहा कि पटवारी साहब आए थे 5,000 दे गए, लेकिन 5,000 से लाखों का नुकसान कवर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मैं जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, अगर वो चाहें तो इस फैमिली की मदद के लिए आ सकते हैं, और हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और इस फैमिली की मदद करें। ये बिल्कुल आप यहाँ से देखिए, इस साइड से देखिए, ये कटरा की जो पहाड़ियाँ हैं सामने दिख रही हैं, तो ये कटरा यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर भी नहीं है, 10 किलोमीटर ही होगा शायद, और ये ऐसे धनु गांव पड़ता है, और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, लेकिन इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रियासी है। तो मेरी नंदा साहब से भी अपील है, जो यहाँ पे एक्स मिनिस्टर हैं, पीछे एक्स एमएलए यहाँ के या कोई और जो एमएलए हैं वो आगे आएँ, क्योंकि अगर वोट लेने के लिए आप आ सकते हो तो इनकी मदद करने के लिए भी आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।